नमस्ते एंड फुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि अभी कुछ महीनों पहले ही मुझे एक बेबी बॉय हुआ था और आज मैं आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे ही सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ जिससे मुझे पहले से ही बहुत हद तक लग रहा था कि मुझे बॉय ही होने वाला है। अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने कुछ ओल्ड वाइफ्स टेल यानी कि कुछ पुरानी कहावतों के साथ साथ चाइनीज जेंडर प्रेडिक्शन कैलेंडर को भी टेस्ट किया था और एक प्रोबेबिलिटी निकाली थी यानी कि किसके होने के चांस ज़्यादा हैं, बेबी बॉय के या बेबी गर्ल के। तो उसके हिसाब से भी मेरे को बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा थे। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आपकी स्क्रीन पे भी उसका लिंक डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन से वो सिम्टम्स थे जिससे मुझे पहले से ही चांसेस ज़्यादा लग रहे थे कि मुझे बेबी बॉय होने वाला है। हर पेरेंट की तरह आपको भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो इस वीडियो में तो मैं बेबी बॉय के सिम्टम्स बता रही हूँ। मेरी एक बेटी भी है 5 साल की, तो उस प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी मेरे सिम्टम्स थे बेबी गर्ल के वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं वो वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बेबी बॉय का जो सबसे पहला सिम्टम था, रिमार्केबली जो डिफरेंस था मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से जब मुझे बेबी गर्ल हुई थी, वो ये कि मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई इस बार। नौजिया की फीलिंग थी लेकिन वॉमिटिंग नहीं हुई। नौजिया फीलिंग यानी कि एक पेट में हलचल सी रहती थी, उथल पुथल सी रहती थी, बहुत डिस्कम्फर्ट फीलिंग रहती थी, लेकिन वॉमिटिंग ना होने की वजह से सब कुछ काफ़ी मैनेजेबल रहा कंपेयर टू जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी जब मुझे बेबी गर्ल हुई थी। और क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी तो वॉमिटिंग ना होना मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था इस बार, क्योंकि जब भी आप लोगों के बीच में बैठते हैं या बात करते हैं या मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं तो नौजिया फीलिंग डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। लोगों के बीच में बैठना, अपना दिमाग मीटिंग्स में लगाना या कुछ भी फोकस कर पाना, लेकिन वॉमिटिंग ना होने की वजह से सिचुएशन काफ़ी मैनेजेबल रही। फिर सेकेंड जो सिम्टम था वो था बेबी की हार्ट रेट को लेके, तो वो अराउंड 140 BPM के आसपास रही हमेशा जब भी मेरा स्कैन हुआ। तो हालांकि ऐसा बोला जाता है कि हर प्रेगनेंसी में ज़रूरी नहीं है ये चीज़ ठीक हो, लेकिन जब मेरी बेटी होने वाली थी तब भी जो स्टार्टिंग जो स्कैन हुए थे मेरे वो अराउंड 150 के आसपास, 153 के आसपास हार्ट रेट रहता था उसका। और मेरे बेटे के टाइम पे जो हार्ट रेट रहा वो 140 के आसपास रहा, लोअर साइड रहा। और ये ओल्ड वाइफ टेल भी है कि अगर 140 के आसपास हार्ट रेट रहता है बच्चे का तो बेबी बॉय होने का चांस ज़्यादा है। फिर बेबी बॉय के टाइम पे मेरी क्रेविंग्स काफ़ी अलग थी, तो इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा सॉल्टी और स्पाइसी खाने का मन कर रहा था। मुझे अचार खाने का भी बहुत मन कर रहा था, इतना ज़्यादा कि मुझे अपने घर से स्पेसिफिकली पार्सल करके कुछ स्पेसिफिक अचार मंगाने पड़े। और मुझे खासकर मशरूम्स बहुत पसंद आ रहे थे। मैंने मशरूम का मेंशन इसलिए किया क्योंकि बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे उससे बहुत ज़्यादा एवर्जन था, यानी कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। फिर मैं अपनी स्किन की बात करूँ, ऐसा कहा जाता है कि बॉय के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्किन ग्लो करती है या हेयर्स बहुत शाइनी हो जाते हैं, नेल्स बहुत शाइनी हो जाते हैं, तो मुझे स्पेसिफिकली ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा। लेकिन जो मेरी स्किन थी वो बेटर थी कंपेयर टू फर्स्ट प्रेगनेंसी के, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बेबी गर्ल हुई थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स होते थे। तो कंपेरेटिवली बॉय के टाइम पे मैं कहूँगी कि स्किन 100% क्लियर तो नहीं थी लेकिन उतनी बैड सिचुएशन भी नहीं थी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस लगा मुझे स्किन को लेके। फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। जो थोड़ी बहुत थकान रहती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की या फिर यूजुअली काम करने के बाद की, वो तो डेफिनेटली थी, एक बेटी भी थी पहले से, उसका जो भी काम था वो सब भी रहता था तो ऑब्वियसली थकान रहती थी। लेकिन फिर भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे को जब बेटी हुई थी उस टाइम से मैं इस बार काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही। इवन मैं अकेले बाहर भी गई यानी आउट ऑफ स्टेशन भी गई, मेरा कुछ ऑफिस का काम था उससे रिलेटेड, तो मैंने अकेले ट्रैवल भी किया, फ्लाइट में भी ट्रैवल किया, तो किसी भी तरीके की कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई या डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ, मैं बहुत ईजिली चली गई। तो उस सब के हिसाब से मैं देखूं तो मैं कहूंगी कि मैं फेयरली बहुत ज़्यादा एक्टिव रही थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। मैं दो तीन बार वॉक करती थी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सजेशन के हिसाब से, योगा भी करती थी, अपना जो ऑफिस का काम था वो भी करती थी, फिर बेटी को भी देखना है, बाकी घर के भी काम है, तो सब कुछ मैनेजेबल रहा। तो ये सब देखते हुए मैं बोलूँगी कि इस बार मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव फील हुआ। फिर मैं बात करूँ वेट गेन की, तो इस बार बेबी बॉय के टाइम पे मेरा जो वेट गेन था वो स्पेसिफिकली बेली के आसपास ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था, यानी कि सिर्फ पेट ही पेट ज़्यादा बढ़ रहा था।
फिर जो मेरा बम्प का पोजीशन और शेप था वो भी कंपेरेटिवली बहुत अलग था फर्स्ट प्रेगनेंसी से। तो इस बार बेबी बॉय के टाइम पे जो पोजीशन थी वो काफ़ी लो थी कंपेयर टू जब मैं बेटी को कैरी कर रही थी। तो बॉय के टाइम पे जो टमी थी वो थोड़ा नीचे की साइड थी, यानी कि मैं लो कैरी कर रही थी, और जो शेप भी था वो कम्प्लीटली राउंड नहीं था, थोड़ा सामने की तरफ बेली थी। तो ऐसा कहते हैं कि जब आपकी जो टमी है वो हर तरफ से राउंड जैसी दिखती है, साइड से भी फ्रंट से भी, तो गर्ल होने का चांस ज़्यादा रहता है, और बॉय के टाइम पे फ्रंट में ज़्यादा रहती है, पॉइंटेड थोड़ी रहती है। तो थोड़ा उस तरीके का डिफरेंस मुझे फील हो रहा था। प्रेगनेंसी के 7th मंथ तक भी लोगों को ऐसा लगता था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बस थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, क्योंकि बम का साइज़ बहुत छोटा था और जो फैट डिपॉजिट हो रहा था वो थोड़ा बहुत बेली के आसपास ही था, उतना ज़्यादा ओवरऑल बॉडी में फैट डिपॉजिट नहीं था, बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं था। इसके साथ ही मेरे पैर का साइज़ भी नहीं बढ़ा था। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका जो पैर है उसमें स्वेलिंग नहीं है या उसका साइज़ आपका नहीं इंक्रीज़ हो रहा है तो बेबी बॉय होने का चांस ज़्यादा होता है। तो वो भी एक डिफरेंस मुझे फील हुआ था फर्स्ट प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में। इसके साथ ही पैर बहुत ठंडे रहते थे, और जब भी ठंडे पैर होते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि बॉय होने के चांस ज़्यादा हैं, जो मेरे केस में बिल्कुल ठीक बैठा, और मुझे ठंड भी लगती थी। जबकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब मुझे गर्ल होने वाली थी उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। और मैं बात करूँ मूड स्विंग्स की, तो मूड स्विंग्स मैं बोलूँगी कि ऑलमोस्ट ज़ीरो ही थे, कम्प्लीटली ज़ीरो तो नहीं थे, लेकिन जो भी रहता भी था तो मैं इमोशनल बहुत कम फील करती थी, जबकि गर्ल के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता था हर चीज़ में, छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता था। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा फियरलेस जैसा फील होता था, और कोई सिचुएशन होती थी तो बहुत स्टबर्न भी फील होता था, ज़िद्दी जैसी फीलिंग आती थी, लेकिन कभी भी डर वाली चीज़ या इमोशनल वाला पॉइंट कभी नहीं लगा। तो जो इमोशंस थे या कह लीजिए मूड स्विंग्स थे वो उतने नहीं थे, और बहुत ज़्यादा फियरलेस फील हो रहा था बेबी बॉय के टाइम पे। तो मैं अकेले जो है आउट सेशन भी गई, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो कैब से भी ट्रैवल किया, फ़्लाइट से भी ट्रैवल किया, और नाइट में भी ट्रैवलिंग था, लेकिन फिर भी बहुत कॉन्फिडेंट रही मैं। और अकेले टू व्हीलर भी मैंने ड्राइव करी, अपने ऑफिस में जाती थी, हस्बैंड मेरे आउट स्टेशन गए उस टाइम, अपनी बेटी को मैनेज करना, बाकी सब कुछ देखना, वो सब अकेले मैनेज किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे बट जिस दिन मैंने अपनी प्रेगनेंसी की टेस्टिंग करी थी उस दिन ही सुबह को मुझे एक और ट्रिप जाना था आउट स्टेशन, ऑफिस रिलेटेड कुछ वर्क था, तो वो भी मैं गई ये पता होने के बाद भी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जस्ट अभी ही शायद 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मैं कॉन्फिडेंट थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अंदर से बहुत ज़्यादा फियरलेस जैसी फीलिंग थी। तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, मूड स्विंग भी नहीं थे, ये भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। इसके अलावा जो एक स्पेसिफिक सिम्टम था, जो मेरे मसूड़े थे यानी जो गम्स थे, उसमें बहुत ज़्यादा पुलिंग सेंसेशन फील होता था। ये जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था उसके पहले भी ये सिम्टम मुझे दिखा, जिससे मुझे अंदर ही अंदर फील हो रहा था कि शायद मैं अब प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि गम पुलिंग सेंसेशन मुझे लाइफ में आज तक नहीं हुआ, और ये मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के पहले बहुत स्ट्रॉन्ग एक सिम्टम था मेरे लिए, जिससे मुझे लग रहा था कि शायद मेरा टेस्ट जो है पॉजिटिव ही आएगा। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी मुझे जो मसूड़े थे, गम्स थे, बहुत ज़्यादा पुलिंग सेंसेशन फील होता था। और मैं अगर बात करूँ प्लेसेंटा की पोजीशन की, तो प्लेसेंटा मेरी एंटीरियर थी, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर एंटीरियर प्लेसेंटा होगी तो गर्ल होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये जो एक ओल्ड वाइफ टेल थी मेरे लिए रॉन्ग प्रूफ हुई। तो मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरी जो प्लेसेंटा की पोजीशन थी एंटीरियर थी, यानी कि गर्ल के टाइम पे भी बॉय के टाइम पे भी, और फेस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं थी। तो गर्ल के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेस में स्वेलिंग दिखती थी, पैरों में स्वेलिंग दिखती थी। और जो चाइनीज़ जेंडर प्रेडिक्शन कैलेंडर होता है वो मेरी दोनों प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल ठीक बैठा, यानी कि जब गर्ल होने वाली थी तब भी मैंने उसके हिसाब से टेस्ट किया था तो गर्ल होने वाली थी, और गर्ल हुई भी, और जब बॉय के टाइम पे टेस्ट किया तब भी उसके हिसाब से बॉय आ रहा था और हुआ भी मुझे बॉय ही। तो अगर आप चाइनीज़ जेंडर प्रेडिक्शन कैलेंडर के हिसाब से अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहती हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस कैलेंडर के हिसाब से देख सकती हैं कि उसके हिसाब से बॉय होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसके अलावा एक और डिफरेंस था कि मुझे बॉय के टाइम पे बिल्कुल भी हेडेक नहीं था, जो गर्ल के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा होता था, हर शाम को मुझे सर दर्द होता था, लेकिन बॉय के टाइम पे मुझे बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं हुई। और जो बॉडी ओडर भी था वो भी मेरा नॉर्मल रहा। ऐसा बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका जो बॉडी ओडर होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि जो पसीने की स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। तो बॉय के टाइम पे कोई भी डिफरेंस नहीं रहा बॉडी ओडर में। तो ये कुछ सिम्टम्स थे मेरी बेबी बॉय के, जिससे मुझे लग रहा था थोड़ा
प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही थी कि बॉय ही होगा। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने सिर्फ अपने सिम्टम्स शेयर किए हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर ये सब सिम्टम्स आपको हैं तो बॉय ही हो। लेकिन हर पेरेंट की तरह आपको भी क्यूरियोसिटी होगी बॉय होगा या गर्ल होगी, तो जस्ट उसी के लिए मैंने आपके साथ अपने ये सब सिम्टम्स शेयर किए हैं। कई बार ऐसा होता है कि दो लोगों के सिम्टम्स बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन फिर भी एक को बॉय हो जाता है एक को गर्ल हो जाती है। इस वीडियो को जस्ट एक जनरल पर्पस के जैसा ही ट्रीट करें और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे क्या क्या सिम्टम्स रहे जो मेरे लिए पर्सनली बॉय के टाइम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे और अलग थे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।